दोस्तों आज का जो प्लान है 25x30 में आपको प्यारा सा मकान मिलेगा। इस मकान में 3 बेडरूम है, किचन है, सीढ़ी है और टॉयलेट बाथरूम नहीं दिया गया है। आप सीढ़ी के नीचे चाहें तो टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं, इतना स्पेस इसमें मिलेगा। बरामदे के साथ आपको प्लान मिलेगा। कोई नक्शा बनवाना है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, कॉन्टैक्ट करके नक्शा बनवा सकते हैं। कॉलम की बात करें, मकान की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्रंट आपका 25 फीट है, गहरान जो है आपका 30 फीट है। 25x30 में आपका इस तरीके से प्लान है। जो भी मैंने यहाँ पे कॉलम दिया है 10x10 का कॉलम यहाँ पे यूज किया है दोस्तों, फॉर सिंगल फ्लोर। एक मंजिल के लिए 10x10 का यहाँ पे कॉलम हमने यूज किया है और इस कॉलम में हमने 4x12 का यहाँ पे यूज किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरीके से 10x10 का कॉलम हो जाएगा और जो भी कॉलम है उसमें 4x12 का यहाँ पे यूज हुआ है दोस्तों। बाहर के जो दीवार है उसको 10 इंची का रखें फॉर सेफ्टी रीजन, ताकि कोई तोड़ करके मकान में घुसे ना। और अंदर की जो भी दीवार है वो 5 इंची की है, ठीक है। अंदर की दीवार 5 इंची, बाहर की दीवार 10 इंची आपकी इस तरीके से रहेगी दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका ये पूरा मकान रहेगा दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा ये मकान कंप्लीट हो जाएगा। अब रहा बात प्लिंथ का, इसका जो कुर्सी का लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2.5 फीट रखा है। अपने हिसाब से 2.5-3 फीट 4 फीट तक आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब प्लिंथ का जो टेक्सचर है मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ क्या इसमें इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर रहे कि हाँ यहाँ तक आपका प्लिंथ का लेवल इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे प्लिंथ का टेक्सचर चेंज करके, हाँ इस साइड वाला अभी टेक्सचर आपका बाकी साइड में जो हमने दिया है डिज़ाइन, यहाँ का भी थोड़ा सा टेक्सचर चेंज कर देते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं इसका प्लिंथ का टेक्सचर, ठीक है। तो अब बात करें भाई, मकान तो आपने बना लिया, प्लिंथ भी रख लिया, तब स्टेप्स देना पड़ेगा अंदर घुसने के लिए। यहाँ पर आपका स्टेप्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बरामदा, और बरामदे से ही एक दरवाज़ा दे देंगे इस रूम के लिए। ये आपका हो जाएगा गेस्ट रूम, मान लीजिए कोई गेस्ट वगैरह आता है तो आप उनको ये रूम यूज करने के लिए दे सकते हैं, इससे मकान की प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी दोस्तों। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपका ये पूरा ये रहेगा। इसके बाद यहाँ पर लगेगा आपका मेन गेट, इस जगह पर, इस पर्टिकुलर एरिया में आपका लगेगा मेन गेट, यहाँ पर इस जगह पर आपका मेन गेट लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको ये हॉल एरिया मिलेगा, ये पूरा आपका हॉल एरिया मिलेगा। इधर मिलता है आपको किचन, किचन आप देख लीजिए इस तरीके से आपका ये पूरा एक किचन आपका रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका हो गया किचन, और किचन का प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं एल पैटर्न पे इस तरीके से रहेगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आपका रहेगा किचन का दरवाज़ा, इस जगह पे आपका किचन का दरवाज़ा इस जगह पे आपका लग जाएगा, ठीक है। किचन का दरवाज़ा आपका इस जगह पे इस तरीके से आपका लग जाएगा। इस पीछे की तरफ आपको 2 बेडरूम मिलते हैं। साइज़ वगैरह मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा दोस्तों, अन्यथा आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में कि हमने प्लान कैसे, क्या चीज़ कैसे बनाया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा ये मकान आपका कंप्लीट दिखेगा, और मकान बनने के बाद आपको पूरा इस तरीके से ये दिखेगा दोस्तों। इसमें खिड़की वगैरह आप चारों साइड इस तरीके से दे सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फ्रंट से आप एंट्री करेंगे बरामदे में, इसके बाद ये पहला बेडरूम हो जाएगा, ये आपका हॉल एरिया, इधर हो जाएगा किचन, पीछे 2 बेडरूम, और ये सीढ़ी समझ लीजिए कैसे बनाया है। ऊंचाई हमने 7 इंची, थ्रेड जो है 2 फीट 10 इंची है, और ये जो पैर जिस पर पड़ेगा इसको थ्रेड बोलते हैं 10 इंची है, और चौड़ाई 2 फीट 10 इंची है, और ये इस तरीके से आपका सीढ़ी रहेगा। और यहाँ पे सीढ़ी के नीचे आप टॉयलेट बाथरूम भी बना सकते हैं। तो चलिए साइजेस वगैरह आपको बताते हैं कि हमने किस साइज़ में क्या चीज़ कैसे रखा है दोस्तों। तो प्लान का फ्रंट जो है आप देख लीजिए, फ्रंट की अगर बात की जाए तो ये आपका 25 फिट, इस तरीके से आप देख लीजिए 25x30 में आपके पूरा ये प्लान बनाया गया है, जो इसका फ्रंट है इस तरीके से है। और इस सीढ़ी की अगर बात करें तो 12 फिट 9 इंच, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, 12 फिट 9 इंच, 6 फिट 10 इंच का आपका ये बरामदा एरिया रहेगा। और पीछे की तरफ जो रूम है, ये गेस्ट रूम जो है 10x11 का आपका रहेगा। इसके बाद एक किचन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं किचन आपका जो है 5.5x7 का आपका इस तरीके से किचन रहेगा दोस्तों। और 9.5x, आप देख सकते हैं इस तरीके से 9.5x8 का आपको ये हॉल एरिया आपको मिल जाएगा दोस्तों। पीछे की तरफ जो चलेंगे तो यहाँ पे आपको जो रूम मिलता है 11x12 का पहला बेडरूम, ठीक है, दूसरा बेडरूम जो आपको मिलता है 11x11x12 का, ये इस तरीके से पूरा ही प्लान है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई नक्शा बनाना है तो कॉन्टैक्ट करके नक्शा बना सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के, तब तक विदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।